तो पार्थ, मुझे ये इंटरव्यू वाज वेरी एंगेजिंग, बड़ा मज़ा आया मुझे. और आपने आपके सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे थे. यू वर काइंड टू मी. तो बस थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड सो वेलकमिंग. थैंक यू सो मच. हाय, मेरा नाम है सोनारिका भदौरिया और आप ये इंटरव्यू सिनेमा साहित्य पर देख रहे हैं. प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए. હેલો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અને અત્યારે અમદાવાદમાં હિન્દી ફિલ્મ હિન્દુત્વના પ્રમોશન માટે સોનાલિકા ભાદુરિયા આવ્યા છે. તેઓ ફિલ્મમાં મુખ્ય પાત્ર ભજવે છે અને આપણે તેમને દેવ કા દેવ મહાદેવ સહિતની સિરિયલમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો સબસે પહેલે તો વેલકમ સોનાલિકા મેમ. સબસે પહેલે તો ગુજરાત કે બારે મેં બતાઈએ, આપકા ઇસસે ક્યા કનેક્શન હૈ ગુજરાત કે બારે મેં? ગુજરાત સે કનેક્શન કુછ એસા રહા હૈ કે શરૂ સે नवरात्रों के वक्त पर, खास करके कई साल हो गए, तो गरबा के लिए आना, डांडिया के लिए आना, मतलब ऑफ़ कोर्स एज अ यू नो एज अ गेस्ट वो लोग बुलाते हैं. तो जब से महादेव किया था तब से तो ऐसा कनेक्शन है. उसके बाद फिल्म प्रमोशंस होते हैं और ये आई थिंक मेरा चौथा फिल्म प्रमोशन होगा यहाँ पर, फिल्म या टेलीविज़न प्रमोशन जो कह लीजिए आप. तो बड़े प्यारे हैं यहाँ के लोग, बड़े अच्छे हैं, बहुत साफ़ हैं मन के और बहुत इनोसेंट हैं, प्यार से वेलकम करते हैं और बहुत ही वार्म और वेलकमिंग है बेसिकली. अपने देव के देव महादेव, पृथ्वी वल्लभ और सलीम अनाल करी, तो ये सभी, ये सब पौराणिक कथाएँ हैं, तो इसकी वजह मतलब ये संयोग था. सबसे शुरू वाला महादेव तो सहयोग था ऑफ कोर्स, पर एक बहुत शुरू में महादेव से पहले मेरा एक शो आता था, तुम देना साथ मेरा, उसी चैनल पर आता था. उस वक्त ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे, मैं सास बहू शोज़ के लिए अपने आप को नहीं देखती थी, देखती थी इन द सेंस कि मैं एज एन ऑडियंस भी नहीं एन्जॉय करती हूँ. तो फिर एज अ पर्सन या एज अ एक्टर मैं कैसे उसे एक्ट करना या उसमें काम करना एन्जॉय करूँगी? तो मुझे शुरू से ना बहुत ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन सेंट्रिक, मुझे शुरू से ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं. और अब जैसे ऑफकोर्स महादेव हो गया तो उसमें तो मैंने देवी का किरदार किया था, और फिर पृथ्वी वल्लभ हो गया तो उसमें स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये वो. तो मैं पर्सनली भी ऐसी हूँ, तो मैं ऐसे किरदार करना एन्जॉय करती हूँ. पर अब क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 हिस्टोरिकल शोज़ कर चुकी हूँ, उसकी देखिए प्रैक्टिकलिटी ये है कि उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी मतलब बहुत एफर्ट लगता है हर चीज़ में, उस लुक में. तो ऐसा है. बाकी आजकल तो काफ़ी वेब शोज़ का दौर चल रहा है, फिल्म्स, अभी ये मेरी सेकंड इनिंग्स है एक तरह से, यू नो, हिंदी सिनेमा में. तो कोशिश है, आशा है कि लोगों को उतना ही कुछ अलग करूं, लोगों को वही प्यार और उसी तरह से सराहेंगे जैसे आज तक सराहा है. इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि इमेज कैद हो जाती है एक तरह के रोल में, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो पर्सनली कभी ऐसा नहीं हुआ. अभी कम से कम 11 साल से हूँ मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और काफ़ी काम कर चुकी हूँ. साउथ में काम कर लिया मैंने, हिंदी में मेरी एक और फिल्म आई थी सांसें 2016 में शायद से, तो वो अब ये फिल्म कर रही हूँ. इसके बाद एक वेब शो मैं कर चुकी हूँ, कई सारे गाने किए हैं. तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या इंसान कैद हो जाता है. ये बहुत पिछले पुराने टाइम की बातें होंगी, बट नहीं, आज के डे एंड एज में नहीं. आई थिंक ऑडियंसेस इतनी स्मार्ट इनफ हैं कि वो समझें कि एक एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहा है और असल में वो कैरेक्टर नहीं है. आपकी, आपके ये जो तीन, ये मैंने जो नाम लिए शो के, जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं, तो आपके कौन से फेवरेट है और आपका आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है अपना? ये मैं कहूँगी पृथ्वी वल्लभ, क्योंकि उसमें मैं एक वॉरियर प्रिंसेस बनी थी और मुझे एज अ पर्सन बहुत कुछ सीखने को मिला, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन मेरी बहुत ग्रोथ हुई. मैंने, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हॉर्स राइडिंग सीखी, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी और एक्शन सीन्स करना, हार्नेस पे लटकना, ये सब वो सब, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, एक्शन रिलेटेड चीज़ों में. तो पृथ्वी वल्लभ वॉज माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट. व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, आप क्या करना चाहती हैं?
ફ્યુચર યાર, ફ્યુચર કિસને દેખા હૈ? અભી તક એસી કુછ ખાસ પ્લાનિંગ ભી નહીં હૈ. અભી તો યે મેને કર લી, ફિલ્મ કર લી, ઇસકે બાદ એક મેરા શો આયેગા, વેબ શો, તો વો અબ દેખતે હૈ વોટ લાઈફ હેઝ ઇન સ્ટોર ફોર મી. અગર આપકો ફિલ્મ નેક્સ્ટ મે કરના ચાહે તો કોન સે ડિરેક્ટર કે સાથ આપ કામ કરના ચાહતી હૈ? બહોત સારે હૈ. I would love to start off with Sanjay Leela Bhansali. Mujhe laga tha wahi bola. He's also Gujarati. Prakash Kapadia and Sanjay Leela Bhansali. Right, right. But just his vision is so immaculate and impeccable. Matlab bas aadmi khatam hai bilkul. Koi dekh le unki film mein, koi idhar se udhar kuch nikal de nooks, main you know duniya chhod dungi main. So he's just a perfect director and I it's my long dream to work with him. And final do question mujhe puchna hai. Mujhe ye maine fans se question mangwaye the humne cinema sahita mein, to ye pucha tha ki aapki minus matlab khami bolte hain Sonali Menon ki khami aur khubi kya hai, ye bataiye jo aap sudharna chahte hain. Khubi I think meri ye hai ki main bahut jaldi har jagah pe adapt kar leti hu bahut easily. Main bilkul bhi rigid nahi hu. बहुत ही अकोमोडेटिंग हूँ मैं. मेरी खामी ये है कि मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और गुस्सा बहुत आता है मुझे, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्रिप करना. मैं अपने सुधारने की कोशिश कर रही हूँ बहुत खुद को. होपफुली देखिए एज के साथ साथ अक्ल आए थोड़ी सी. एंड फाइनली आपने इंस्टाग्राम में लिखा है कि हम जल्दी बड़े हो जाएंगे, उससे पहले इतनी स्टोरी हम बटोर रहे हैं कि हम किसी से या आपने लिखा है. तो आप अपने अभी तक के करियर में कितनी स्टोरीज आपने साथ इकट्ठा की है कि आप लोगों को कह पाए? अनगिनत स्टोरीज, मतलब अनगिनत स्टोरीज. आई थिंक लाइफ हैज़ been very kind and it's all a learning process. जब तक मैं इस दुनिया को छोड़ नहीं दूंगी शायद अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते ही जाऊंगी. तो बस जी. एंड फाइनली हिंदुत्व के बारे में कुछ बता दीजिए, आपके करेक्टर के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, तो क्योंकि मैं और आशीष पहले काम कर चुके हैं, तो आई रिमेम्बर हम दिल्ली में थे, मुझे आशीष का फ़ोन आया था सेइंग सोनारिका करण सर हैं, करण सर को तो हम सब जानते ही हैं, करण सर हैं, इट्स अ हिंदी फिल्म एंड ही वॉन्ट्स टू मीट यू. तो मैं गई उनसे मिलने. मुझे नहीं पता था फिल्म का नाम क्या है, फिल्म किस मुद्दे पर है, क्या है. मैं बस गई, मैंने उनसे मीटिंग ली. तो सर ने सबसे पहले मुझे गाने सुनाए फिल्म के सारे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, उसमें से एक गाना हिंदुत्व भी था. मैंने सुना, वाज लाइक अरे वाह, यू नो जज्बा आया, भला बड़ा अपने देश पर गाना है, देशभक्ति पर गाना है, बड़ा अच्छा लगा सुन के. फिर मैंने सर से पूछा, सर तो क्या है फिल्म का नाम क्या है मुझे बताइए. देन सर सेड हिंदुत्व. आई सेड सर व्हाट? ही सेड हिंदुत्व. आई सेड सर तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं फिल्म में, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तब करण सर ने मुझे बताई बहुत सारी चीज़ें और मुझे उन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था. और मैं ये बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती हूँ सबके सामने कि नहीं था तो अब नहीं था, क्या कर सकते हैं. मुझे नहीं पता था कि एक हिंदू जब अपने आप को हिंदू बोलता है तो उसे कम्युनल का टैग दे दिया जाता है, या मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि करंटली हमारे देश में क्या सिचुएशन चल रही है. मैं बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहती हूँ. जब करण सर ने इतनी सारी चीज़ें समझाई बताई तो एक मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग थी चीज़ें. एक फॉर मी इट वॉज़ अ वेकअप कॉल कि अच्छा ऐसा हो रहा है. एंड जैसे ही सर ने मुझे नरेट किया इंस्टेंटेनियसली मुझे पता था दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू सो मच.